Hey guys, it's Christine. Welcome back to Sudhu Vlog. So guys, आज मैं react करने वाली हूँ RHS who is in Medina right now. RHS who is in Makkah right now और वो वहाँ 1.5 लाख की मंदी खा रहे हैं. Do check other original link ये तो हमारे Instagram handle से to follow us. Let's go. अब आप हिसाब लगाओ कि जो पूरा लैम्प है वो 1800-1900 रियाल का है. ओह हो माशाल्लाह. ये एक है पूरा, ये दो हैं, ये दो हैं जी इसके अंदर. ये सबसे स्पेशल वाली ट्रे तैयार हो रही है. ये पूरी चक्की है दुम्बे की. थोड़ा दिन बैठ इतना मेरे ख्याल अच्छा लगता है. मीट के नहीं आज हमारी वीडियो की जांच अम्मी है. अम्मी यहाँ पे बैठी हुई है. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात. शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान RHS एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है. और अभी हम लोग मक्का में हैं और मक्का में मैंने जिस तरह मदीना वाली वीडियो में कहा था कि भाई अभी तक तो पसीना ही नहीं आया, मक्का में अब आके एक्चुअल गर्मी स्टार्ट हो चुकी है. सही, बहुत अच्छा मौसम चल रहा था. अब एक दो दिन से जो है ना वो एकदम से हीट वेव आई है और वो ऐसी शदीद है कि आप मतलब वो जो लू होती है ना, आग चल रही है, वो वाला सीन है. क्या हाल है? ठीक अल्लाह का शुक्र. कैसी चल रही है गर्मी? गर्मी बहुत ज़्यादा है. गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और रोशनी भी बहुत ज़्यादा. खैर आज हम लोग जा रहे हैं एक मंदी खाने, बड़ी बेहतरीन मज़ेदार किस्म की मंदी, तो वो आपको भी मैं दिखाऊंगा. अभी हम लोग हरम से निकले हैं, जाएंगे और सामने टैक्सी मिलती है, टैक्सी पकड़ेंगे फिर हम जाएंगे मंदी खाने. तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने मक्का आए हुए हो और एक बड़ी मज़े की अच्छी मंदी खानी है तो वो कहाँ से मिलेगी. वो सामने हरम से आप निकलोगे, इस तरफ को आओगे, कबूतर चौक वाला रोड है ये, वो सामने कबूतर चौक की तरफ जा रहा है, ये जबले उमर है. तो इस तरफ से आपको जो है ना वो सामने से टैक्सी मिलती है. यहाँ से आपको टैक्सी जद्दा के लिए भी मिलेगी, ज़ियारतों के लिए भी मिलेगी, चौराना जाने के लिए भी मिलेगी. कहीं भी आपने मक्का जाना है मक्का के अंदर तो यहाँ से आपको हर किस्म की टैक्सी मिल जाएगी. हमने जाना है जी मताम अल रियाज और यहाँ किसी से पूछेंगे ये दिखा के. साफ सुथरा वैसे मदीना में तो मुझे गाड़ी, ये गर्मी की सूरत हाल के टेम्परेचर की वजह से फ़ोन बंद हो गया मेरा. मताम अल रियाज अभी बड़ा सीन हुआ है वहाँ पहुँच के बता. ये जी मक्का की सड़कों की सैर करते हुए हम लोग मंदी की तरफ जा रहे हैं. भूख फुल लगी हुई है. ओहो खा जाने ने, बकरे खा जाने ने. अच्छा अभी बड़ा सीन हुआ जो आपने देखा. मैंने टैक्सी वाले से पूछा कि कितने रियाल लेगा यहाँ जाने के, उसने मुझे कहा 50 रियाल. तो गर्मी इतनी शदीद है कि मैंने उसको कहा कि ठीक है चलते हैं. एक को मैंने कहा कि 30, वो नहीं माना चला गया. फिर दूसरे को 50 पे मैं राज़ी हुआ. मैं बैठने लगा तो पुलिस वाला आया, उसने उसको अपने कुछ बातें शाते की. तो वो टैक्सी वाला उसे कह रहा था कि ये मतलब फैमिली है तो मैंने इनसे इतने मांगे हैं. वो पुलिस वाले ने उसको कहा कि निकलो यहाँ से जाओ, बड़े गुस्से से. अब मैं मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या बात हो रही है. मुझे लगा पुलिस वाला उसको कह रहा है कि इधर खड़े नहीं होना या जाओ जो मर्जी ये सवारियाँ बाद चो बैठाता रही. खैर मैं थोड़ा सा आगे गया, पुलिस वाले ने मुझे आवाज़ दे के बुलाया. एक गाड़ी पुलिस वाले ने खुद रोकी, उससे बात की कि इनको फलानी जगह पर छोड़ना है और 20 रियाल लेने हैं सिर्फ. उसको पता था कि मुझे मतलब उसने उस टैक्सी वाले से पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो उसने बताया मतबख अल रियाज. तो पुलिस वाले ने दूसरी टैक्सी वाले को कहा कि मतबख अल रियाज लेके जाओ और 20 रियाल लेने इनसे. तो मतलब जो एक्चुअल प्राइस है वो पुलिस वाले ने मुझे खुद उतने में टैक्सी करवा के दी. कमाल नहीं होगी मतलब? सही बात, कमाल होगी. खैर अभी हम पहुंच चुके हैं मतबख अल रियाज. यहाँ पे मिलती है जी बेस्ट मंदी. मुझे यहाँ पे लेके आए थे अब्दुल मलिक फरीद साहब जब मैं पिछली दफ़ा हज पे आया था. तो अभी मैंने वही मंदी फैमिली को भी खिलानी थी तो हम यहाँ पे आ गए. ये है जी मतबख अल रियाज और इस साइड पे इनका चिकन वाला सीन है सारा. और वो जो साइड है यहाँ पे, ये पूरी बिल्डिंग के अंदर लहम वाला मतलब लैम्प वाला सीन है. हम लोगों ने लैम्प खानी है तो फैमिली को मैं ऊपर जाके बिठाया हूँ. थोड़ा सा आपको यहाँ पे सीन चेक कराता हूँ मंदी का. मंदी ओहो यहाँ पे चल रहा है जी चिकन मंदी का सीन. पूरे ग्रिल चर गए बाबा, ये चेक करो. ओहो होली ब्राउन ऑरेंज चर गा और ये सामने लग रहे हैं फ्रेश. यहाँ से पैक होता है, साथ में आप राइस लेते हो. और ये चेक करो यहाँ पे इस तरफ राइस का सीन चल रहा सारा मोहम्मद. सेम राइस
सेम 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 ओके ओके। एक तरफ ये राइस पड़े हुए हैं, एक तरफ ये राइस है, और यहाँ से आप राइस पैक करवाते हो और वहाँ से आपको चरगा मिलता है, और ये सालन वालन भी है किसी ने खाना शाना खाना हो तो उसके लिए, और ये इन्होंने ज़रा माहौल बनाया हुआ चिकन। मंदी मैंने चिकन खाई है लेकिन मैं असल हूँ मीट लवर, तो मेरे लिए लहम जो है वो परफेक्ट होता है। अगर आपने चिकन मंदी खानी है तो वो हरम के आसपास ही आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। मंदी नहीं, बुखारी राइस, मक्का टावर की बिल्कुल बैक साइड पे अल रुमंसिया मंदी जो है वो बड़ी मशहूर है मक्का की, उसकी एक ब्रांच खुली है, तो वहाँ पे मक्का टावर की बिल्कुल बैक पे हरम से निकलते ही आप वहाँ जाके चिकन मंदी, लहम मंदी भी उनके पास है लेकिन मैंने वो ट्राई नहीं की, आप वहाँ पे लैम मंदी भी खा सकते हो, और अल रुमंसिया बड़ा मशहूर है, अगर आप टैक्सी लेके नहीं आना चाहते तो वहाँ से खा सकते हो। उनके बुखारी राइस विद चिकन मस्ट ट्राई है। ये है जी हमारी साइड, यहाँ मिलता है लैम। मोहम्मद, लहम मंदी 5 लोगों के लिए कितना होगा? भाई सीन बहुत बैड हो चुका है, वो ये कि हम जोर पड़ के आए हैं तो आधा पौना घंटा हमें यहाँ पे पहुँचने में लग गया, और इतनी देर में सारी मंदी ख़त्म हो चुकी है, मतलब ढेरों बकरा यहाँ पे बनता है और वो सारा ख़त्म हो चुका है। वो कहता जब आप ऊपर जा रहे थे फैमिली को लेके, उस टाइम लास्ट पड़ा हुआ था, वो भी आप नीचे आए हो तो ख़त्म है। तो अब मैं सोच रहा हूँ, फिलहाल तो सबको खाना तो खाना ही है, अभी वहाँ से चिकन मंगवाते हैं, वो खा के थोड़ा सा पेट शेट को भरते हैं। वो कह रहे हैं जी असर के बाद बकरे बनना शुरू होंगे और मगरिब टाइम आपको मिलेगा, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है, मुझे लैम मंदी खिलानी तो है फैमिली को, तो देखता हूँ, भी सोचते हैं ज़रा, खाना पेट में जाएगा फिर भी दिमाग चले। अच्छा भाई, कल तो हमें मंदी नहीं मिली जिस तरह मैंने आपको बताया, फिर हम लोगों ने चिकन मंदी खाई और हम चले गए। इन्होंने हमें बताया जी कि कल आप तकरीबन 11 बजे आ जाएं तो आपको मंदी शंदी मिल जाएगी, क्योंकि 11 बजे बकरे शकरे रेडी करते हैं, 11:30 तक वो निकलते हैं, और कोई एक घंटा होता है जिसमें पता नहीं कितना बकरा है जो वो चला जाता है। तो अभी हम लोग 11:30 हुए हैं, अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे, ये पीछे रेस्टोरेंट की बैक साइड से निकल के आया हूँ मैं, अभी ये रेस्टोरेंट से निकल के पीछे इस तरफ सड़क पे, ये इनका असल एरिया है जहाँ पे ये बकरे बन रहे होते हैं। कल चिकन वाली कैसी लगी थी? बहुत मज़े की थी। हाँ, हम लोगों ने कल 2 चिकन मंदियाँ खाई थी, एक कोयले वाली एक गैस वाली, दोनों बहुत अच्छी थी, लेकिन ज़्यादा अच्छी गैस वाली लगी थी, मतलब स्टीम वाली, वो इसको यहाँ पे गैस वाली बोल रहे होते हैं। ये चेक करो भाई, ये वो कोयले वाला चिकन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह नीचे जो है सारा वो ईंटें पड़ी हुई हैं और उसके ऊपर पत्थर और कोयला जो है वो पड़ा हुआ है, मोस्टली ये पत्थर है जो ब्लैक हुआ हुआ आपको नजर आ रहा है, तो इसके अंदर वो जो है ना एक स्टोन टच वो बहुत अच्छा मिलता है आपको, और क्या कमाल टेस्ट है इसका। ये है जी इनका अंदर किचन एरिया, और यहाँ पे जिस तरह से मंदी बनाई जाती है वो मैं तरीका आपको दिखा देता हूँ। अभी लैम जो है वो निकल के यहाँ आ चुके हैं, तो वो वाला सीन हमारा मिस हो चुका है जो मैंने आपको दिखाना था कि इसके अंदर किस तरह से बनता है और फिर किस तरह बाहर आता है। ये इन्होंने ज़मीन में परमानेंट खड्डे टाइप किए हुए हैं जिस तरह तंदूर होता है, वो बना के, ये देखो यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यहाँ पे चल रहा है, और ये ऑलमोस्ट तैयार हो रहा होता है। अभी ये देखो इसके अंदर आ चुका है ना, इन्होंने उसको फॉइल में कर दिया भाई, थोड़ा सा लेट हो गया। एक ये है, ये भी रेडी पड़ा है, वो है 3, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सब अभी रेडी पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी लोग आने शुरू होंगे और उसके बाद ये सर्व होना शुरू होगा। ये भाई से मैंने कहा यार मुझे एक ज़रा बकरा दिखा दें खोल के, ये इसके अंदर आई थिंक राइस होंगे, ये राइस है, राइस, ओहो हो, और इसके अंदर है लैम, ये जी ओए होए 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 होए, ये उसकी बकरे की स्टीम में ही बनता है, सही, पूरा एक तैयार, ओ हो हो हो, माशाल्लाह, ये एक है पूरा, ये दो है, ये दो है जी इसके अंदर, ये इसकी पूरी पुट पड़ी हुई है और रान सारा फ्रेश किस्म का। अच्छा, अब होता ये कि ये इसके अंदर जो है वो लैम बन रहा होता है, उसी के साथ ये वाले राइस होते हैं ताकि इनके अंदर उसकी स्टीम आ सके, तो असल मंदी भी वही होती है जिस जो मीट की स्टीम के साथ तैयार हो रही हो। ये जी अभी ट्रॉली वहाँ जा रही है रेस्टोरेंट साइड पे, लोग आने शुरू हो चुके हैं, मैं ज़रा टाइम से पहले आ गया था लेकिन फिर भी मेरा वो सीन मिस हो गया, चलो खैर कोई बात नहीं, अभी लोग आ रहे हैं और ये मंदी पहुँचेगी अंदर, और अंदर जाके ये सर्व होगी। ये लाइन है यहाँ से काउंटर तक जाते हैं, वहाँ से आप अपनी स्लिप लेते हैं कि कितनी मंदी चाहिए, और फिर उस तरफ जो है वो मंदी का सीन लगा हुआ है, मंदी पे मंदी आएगी, ऑर्डर लगेगा और स्पीड में जाएगा ये, ओहो हो, क्या बात,
अच्छा ये भी एक सीन है इसको फ्रेश रखने के लिए, एक जिस तरह यहाँ पे भी खोलेंगे जितना ऑर्डर होगा वो देनी शुरू करेंगे, बाकी वो पीछे एक चूल्हा है और वहाँ पे ये रख देते हैं तो उससे वो जो है ना वो गर्म होती रहती है, उससे गर्म रख देंगे। ये चेक करें जी, ये फ्रेश एक खुला है। ओहो क्या बात है यार, खूबसूरत माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। उसने उन्होंने खोला है तो उसकी इतनी खुशबू बाहर आनी शुरू हुई है कि आपको वहीं से जो है ना आपके मुँह में पानी आना शुरू हो जाता है। ये लैम हेड, लैम हेड, ओ हो क्या बात है। ये सबसे स्पेशल वाली ट्रे तैयार हो रही है क्योंकि जिसमें हेड, ये देखो मैंने आपको बताया स्पेशल है, ये पूरी चक्की है दुम्बे की और हेड वाली जो होती है ना वो बड़ी आप समझ लो कि महंगी, और किसी को यहाँ पे जो इन्होंने इज्जत देनी हो या किसी की दावत हो स्पेशल तब लेके जाते हैं। किसी ने पूरा जो है आई थिंक हाफ बकरा ऑर्डर किया हुआ है। फॉइल पेपर लगेगा, रेडी होगा और चला जाएगा। आपके सामने अभी वहाँ पे ट्रे थी और वो नीचे जा चुकी है, मेरे ख्याल 3 से 4 मिनट के अंदर दो बकरे थे उसके अंदर, वो दो गए, एक तो मतलब ऐसे ही हाफ ले गया बकरा, बाकी 2-3 ऑर्डर इसके अंदर जा चुका है। अभी अगली ट्रे खुलेगी और फिर उसके अंदर से भी ऐसे गायब होगा। अब भाई सीन ये है कि मंदी एक महंगा आइटम है काफ़ी, और लेकिन वो हमारे लिए आप कह सकते हो कि महंगा है, अरबियों के लिए महंगा नहीं है। अब मैं जिस तरह 1 kg लूँगा उसमें काफ़ी सारे राइस और 1 kg मीट होता है तो वो हमारे लिए काफ़ी होगा। अब 1 kg की प्राइस है 300 रियाल। अब हमारे देखो 1 kg मंदी सिर्फ, क्योंकि हमारी एक तो करेंसी थोड़ी सी डीवैल्यू प्लस रियाल हमारे लिए थोड़ा ऊपर चला गया। अब यहाँ पे अरबी आता है वो लेता जी आधा बकरा, तकरीबन 3 हिस्से बकरे के, 1 यहाँ पे इस तरह मोस्टली सेल होती है 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, तो अरबी तो इस तरह आके लेते हैं, उनके लिए ये इतनी महंगी चीज़ शायद ना हो तो वो इसलिए इतनी तेज़ी से जो है ना वो जा रहा होता है। और मेन ऑर्डर भी अरबी का होता है मोस्टली, मतलब यहाँ पे जो रहते हैं पाकिस्तानी और मुल्कों के लोग वो भी लेते होंगे, लेकिन मैंने अभी तक जितना देखा लाइन जो लगी हुई है मोस्टली अरबियों की, और बकरा ऐसे जा रहा है। अब आप हिसाब लगाओ कि जो पूरा लैम्ब है वो 1800-1900 रियाल का है, और रियाल इस टाइम 78 रुपीज़ का है, पाकिस्तानी 1 रियाल इज इक्वल टू 78 पाकिस्तानी रुपीज़, तो 1900 रियाल तकरीबन बनेगा मेरे ख्याल से कोई 1.5 लाख रुपया। ये जी मैंने किलो ऑर्डर किए जिसके राइस आ चुके हैं और अभी ये मेट यहाँ पे करना शुरू होगा, अभी पहले किसी का ऑर्डर जा रहा है, इसके अंदर पूरा इस टाइम बकरा पड़ा हुआ है, बकरा पुट रान सीना सारी चीज़ें मिक्स हैं और वो हेड पड़ा हुआ है वहाँ पे। ओए होए होए क्या खुशबू है यार इस मंदी की। किलो हो गया ठीक है शुक्रिया। ये जी हमारा 1 kg मीट, ओए होए 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 ये अभी मंदी रेडी होनी शुरू होगी, खूबसूरत जो मंदी का सीन होता है। आ हा हा बोटी पे बोटी आ रही है यहाँ पे खड़े होकर इसको देखने का, और जो एक खुशबू इसकी निकलती है उसका जो मज़ा है ना कैसा लग रहा है, बहुत मज़ा, एक्साइटेड चलो भाई ये अभी तैयार होगी और जाएगी ऊपर। अब मर्द हजरात हो तो बैठने की जगह नीचे भी है, लेकिन अगर आपके साथ फैमिली हो तो आपको सेकंड फ्लोर पे आना पड़ेगा, और अरब में अपने ट्रेडिशनल स्टाइल से ही खाने खाए जाते हैं खास तौर पे अरबी खाना, तो ये फैमिली हॉल्स हैं इनके अंदर नीचे बैठने की जगह। मंदी हमारी आ चुकी है, पहले सुफरा लगेगा और सुफरा लगने के बाद इसके ऊपर पूरे थाल और बकरे, चटनी कवर दिन हजरात 3, 2, 1 और ये गई मंदी लहम। मंदी हमारे पास आ चुकी है 1 किलो और फॉइल पेपर बड़े इहतमाम से मैंने उतारा, और उस टाइम ये कैमरा ऑन नहीं था क्योंकि कैमरा जिस हाथ में इस हाथ का ही अक्सर कमाल हो जाता है कि वो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होती, तो वो हमने उतार दिया उसको फॉइल पेपर को। अब नीचे जो है वो एक कमाल किस्म की हमारे पास लहम लैम मंदी निकली है जिसमें 1 kg मैंने करवाया है, वो जो पूरा बकरा होता है आप अपनी मर्जी से भी करवा सकते हो, क्योंकि मुझे रान चाहिए फुट चाहिए या जो भी चाहिए, और मैंने उसको कहा था मिक्स करवाई, बस ये कहा था कि फैट वाला पार्ट थोड़ा कम मेरी, क्योंकि सारी फैमिली जो है खवातीन फैट इतना मेरे ख्याल पसंद अच्छा लगता है मेरे के नहीं। आज हमारी वीडियो की जज अम्मी है, अम्मी यहाँ पर बैठी हुई है, बाकी भी मंदी है साथ में हमारे पास जो एक ट्रे के अंदर बड़े अहतमाम के साथ हमें ये मिनी ट्रेस के अंदर टोमेटो चटनियाँ दे के गए साथ प्याज है, मैंने कल चिकन वाली मंदी ली थी तो उन्होंने छोटी छोटी डब्बियों में चटनी दी थी, आज पूरी पूरी ट्रे है। अच्छा जी यहाँ से हम उठाएंगे एक अपनी पूरी टोमेटो और चिली चटनी, जो जिसके बगैर मेरे ख्याल से मंदी अधूरी नहीं, बिल्कुल इसके बगैर ये जो है ना क्या मैं मिसाल दूँ कि मंदी इसके बगैर है ही नहीं समझ। और ये हमारे पास आया मीट
और मीट की टेंडरनेस का लेवल, ये ऊपर स्किन है साथ फैट है जो कि अपनी स्टीम के अंदर पूरा मेल्ट हुआ होता है, ओए होए नीचे से नरमो गरम मछली वाले हिस्से और ये आया मंदी लगाई चटनी लगाई मछली वाला हिस्सा लहम मंदी भाई सबको बहुत पसंद आई और एक टेस्ट है मंदी का जो है वाकमाल किस्म का टेस्ट है, खासतौर पर अरब में जब आप मंदी खा रहे हो तो वो उसकी जो एक फील होती है जो रिचनेस होती है जो उसका फैट का टेस्ट वो फैट मेल्ट होके जो उसके अंदर मीट में उसका एरोमा आया होता है उसकी एक गेम ही अलग है। प्लस यहाँ के राइस वो भी एक जो है ना ऐसे खड़ा खड़ा चावल और उसके साथ आप लगा के मीट के डिफरेंट पार्ट्स वो आपको देते हैं वो खा रहे होते हैं तो एक अलग उसका जूसीनेस टेंडरनेस वो अलग फील है यहाँ पे मंदी की। फैमिली को भी बड़ी पसंद आई लेकिन तब से मेरा दिमाग जो है वो इस कैलकुलेशन में लगा हुआ है कि यार 1900 रियाल का एक बकरा, आप सोचो कितने पैसे बनते हैं। इतने में कसम से मैं अपना सारा मोहल्ला उठा के बलोचिस्तान ले जाऊं, कोयटा में मैं बंदे ही बनवा के खिलाऊं सबको खड्डी गोश्त, तो सारे राज्य यहाँ पे मुझे कोई सऊदी अरब से देख रहा है तो मुझे बताना क्या 1900 रियाल इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता या 1900 रियाल कोई छोटी अमाउंट है यहाँ पे, क्योंकि 1900 रियाल पाकिस्तानी पैसों में बहुत पैसा बनता है। तो अब यहाँ पे 1900 रियाल का पूरा बकरा और पाकिस्तान में आपको मैक्सिमम अच्छा बकरा ले लो बहुत अच्छा बनवा लो कोयटा जाके दुम्बा पूरा खड्डी गोश्त विद राइस तो वो शायद आपको 20,000 का पड़ेगा बहुत अच्छा वाला। ये कंपैरिजन कोई मतलब कहाँ 20,000 कहाँ कोई 2.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया समझ से बाहर गेम। नाउ बैक टू हरम और ये यार किया की K5 गाड़ी बड़ी खूबसूरत यहाँ पे मक्का में जो है ना वो टैक्सी चल रही है और क्या इसकी जालिम शेप है मैं ये चेक करूँ। अल्लाह करे पाकिस्तान में लॉन्च हो बड़ी खूबसूरत गाड़ी। पहुंच चुके हैं भाई हरम और ये क्लॉक टावर है और ये मक्का टावर है, इसके दरमियान में ही एक सड़क जाती थी कबूतर चौक की तरफ जो कि अभी बंद हुई हुई है। इसके बंद होने की रीज़न ये है कि हज की पूरी तैयारियां चल रही हैं हरम की। ये बहुत चौड़ी एक रोड है वहां से लेकर यहां तक, इस पूरी रोड को हरम का हिस्सा बना दिया इन्होंने। ये जो आपको सेन नज़र आ रहा है पहले ये यहां तक था और यहां से आगे रोड शुरू हो जाती थी, अभी ये इसी तरह से एज इट इज़ पूरी जितनी भी रोड थी ये सेन चलेगा। तो वहाँ तक जो भी पीछे रोड के मतलब सेन में सेन बन जाएगा ना तो जो भी खड़ा होगा वो हरम के अंदर एक तरह से नमाज पढ़ रहा होगा। वैसे भी ये सारा एरिया हरम के अंदर आता है। कैसे पूरे हज की तैयारी हो रही है, रोड्स इतनी साफ हैं, ग्रेट हाईवेज, आर्किटेक्चर इतना अच्छा है, रियली अप्रिशिएटेड। सो गाइस दिस इज माय रिएक्शन, आई रियली होप दैट यू लाइक इट। दिस इज सिद्धू व्लॉग्स साइनिंग ऑफ।